इधर में बहुत करप्शन बंगाल में हो रहा है, काठमांडू का राज चल रहा है, वो केंद्रीय प्रकल्प में भी इसको ग्रास कर लिया है। वो NIS का जो हेड है सौतम पाल, इसके साथ पूरा जुड़ा है। वो उसका पास DPR जो नक्शा पहले मांगा वो तो नहीं दिया, पहले पुराना दे दिया DPR 15-16 साल का, उसके बाद फिर नया दिया। वो नया देने के बाद देखा वो भाईटाल जो प्रोजेक्ट है जहाँ जहाँ करप्शन ज़्यादा है, वो पेज लोपट करके मुझे जेरोक्स करके दिया। लेकिन मैं दिल्ली जाने के बाद उनके जो KCC कंपनी का CEO वो नक्शा भेजने के लिए बोला, लेकिन वो नक्शा कोई नक्शा दिया, लेकिन सारी नक्शा अभी तक नहीं दिया। वो जो मिला उसको अंदर इतना करप्शन है, क्या क्या नहीं है। वो हमारा एक इंजीनियर है, उनका मैं जिम्मेदारी दे दिया, एक केंद्रीय प्रकल्प ये चौकीदार के तरफ एक काम कर रहा है, मैं भी जा रहा है, वो जो रिपोर्ट कर रहा है यहाँ करप्शन हो रहा है, नक्शा से जो है नक्शा से जो है वो उसी तरफ काम नहीं हो रहा है, वो क्या क्या वीक पॉइंट है सारी। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई फर्स्ट इंस्पेक्शन हेयर दिस लोकेशन वी फाइंड हेयर सम स्टील बार्स, मेनली प्रॉब्लम द स्टील बार्स, देयर वर्टिकली बार्स आर यूजिंग 16 mm बट रिप्लेसिंग देयर अराउंड 25, बट मेन ले आउट इफ यू फाइंड देयर यू कैन गेट देयर द 25 स्टील बार विल बी यूज हेयर, बट दिस कंपनी यूज हेयर 16 mm स्टील बार। एक्चुअली यू नो द वेट कैपेसिटी 16 mm एंड 25 mm आर नॉट सेम, यू नो इन द वेस्ट बेंगल, the total West Bengal around some areas, the daily report we can find in the TV screen and the newspaper, maximum days some flyover and bridges are broken for this corruption. Mainly we want to remove corruption from the West Bengal and from the NH-34 around the all scope of work from the West Bengal. Actually not only this steel problem here, some another columns have there, I get there fined, the vertically is not straight, this column is zigzag type. If this column when the girder slab and the slab will be started, the column must be broken here. And some scope of work there around beside the Aishtola bridge and the Habibpur, there I get the parapet wall of this culvert, there have no lapping and not chipping anything. The first parapet, first layout of the concrete there, they did not use any elastometer, plastic water stop. And the second casting they are already completed. I try to stop at their work, but nobody listen me. Here the engineer more time I informed that they did not show me any schedule or any layout or any schedule. So strictly I want to give them a clear message by your media channel. We cannot compromise with this company for the any corruption. We should try to stop her corruption. This work, this country is ours. This country. Does this all the pupils of us, so we are very careful and sincerely we can complete this work without any corruption. Aap name designation aap iske mera naam hai Dilip Kumar Mohri. Actually main idhar mananiya sansad ye area ka mananiya sansad Jagannath Sarkar ji ka replacement mein hu, उन्होंने हम मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने एक काम को देखभाल की जिम्मेदारी मेरा ऊपर सौंपी है, हम देख रहा हूँ, हम कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश का आम आदमी जनता भी हमारा है, हमारा साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये देश में कोई भी करप्शन परिवार का है, मेरा ही कोई भाई मेरा ही कोई दोस्त यही होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब मिल के करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए। और इधर जो प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का एज पर शेड्यूल एज पर अप्रूव सॉफ्ट ड्रॉइंग, हम लोग चाहता हूँ कि वही काम जो शेड्यूल में है वही काम इधर कंपनी करे, तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा।